खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और जिसको लेकर सभी दल अब तैयारियों में जुट गए हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस वार्ता कर गहलोत सरकार को घोटाले वाली सरकार बताया है। इसमें एक तीसरी मंजिल का निर्माण करके 40 कमरे और बना दिए। इस प्रकार 3 मंजिला हवेली को होटल बनाकर 80 कमरे का निर्माण कर लिया। आप सब जानते हैं कि माउंट आबू में इको सेंसिटिव जोन होने के कारण नया निर्माण नहीं हो सकता, सही है ना? लेकिन 40 कमरे बना दिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बावजूद भी श्री अशोक गहलोत के खासम खास पूर्व सांसद श्री बद्री जाकर इस होटल का निर्माण करा रहे हैं, जिसमें खलक की आवाज यह है कि इसमें भी गहलोत परिवार का शामिल है और इको सेंसिटिव जोन में ये तीसरी होटल इस परिवार की है। चौथी होटल जयपुर में फेयर माउंट तो आपने बहुत देखी होगी, वहाँ एमएलए बहुत रुके थे, आप पत्रकार वार्ता के लिए भी गए थे। उसके पास एक ली मेरिडियन है रतनकांत शर्मा के पिता श्री मयंक शर्मा के नाम से है। इसमें भी वैभव गहलोत एवं उनकी धर्मपत्नी हिमांशी की सनलाइट कार रेंटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इस होटल में के कार्य में लिप्त है, काले कारोबार। अब फेयर माउंट पे आता हूं जिसकी एफआईआर हमने अभी दर्ज कराई है। ये थोड़ा ध्यान से और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, किरोड़ी लाल मीणा ने तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2010 में भी ऐसा मामला 2013 के अंदर में जब बीजेपी के बड़े नेता किरण सोमैया, उन्होंने भी इस तरह के आरोप लगाए थे गहलोत सरकार के ऊपर में। लेकिन क्योंकि अगर देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा बहुत सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, क्योंकि उन्होंने 4 होटलों का नाम लिया है। उदयपुर है, जयपुर के होटल है, और उसमें कहा गया है कि पूरा काला धन का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक एनआरआई है जोधपुर के जो विदेश में डॉक्टर है और उनके पास में पैसा काले धन के रूप में गया, हवाला के जरिए गया है, और वो पैसा उन कंपनियों में लगाया गया है जो कंपनियां अभी तक रजिस्टर्ड तो थी लेकिन उसी दिन रजिस्टर्ड हुई है जिस दिन ये पैसा उनकी कंपनियों में लगाया गया है। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा के सांसद और समय समय पर सरकार के ऊपर में आरोप लगाते रहते हैं, तो अपने आप में देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके बेटे वैभव गहलोत और उनकी पत्नी, वैभव गहलोत की जो पत्नी है, उनको आरोपी बताया गया है कि करोड़ों रुपए कैसे इन्होंने हेर फेर की है और किस प्रकार से जमीनों की मिली भगत करके खरीद फरोख्त करके होटल बनाए गए हैं, जिससे कि क्योंकि उन्होंने एक माउंट आबू के होटल का भी जिक्र किया है और माउंट आबू के होटल का उन्होंने कहा है कि शांति धारीवाल जो राजस्थान के अंदर में आपके मंत्री हैं तो उनकी भी मिली भगत है, क्योंकि शांति धारीवाल पहले भी एकल पट्टे के प्रकरण के अंदर में पुलिस का सामना कर चुके हैं। तो ले देके अगर बात की जाए तो सरकार के ऊपर में बहुत गंभीर बड़ा आरोप है मुख्यमंत्री के ऊपर में, और क्योंकि कल 1 बजे राज्यसभा सांसद अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब जो है आपके उसमें ईडी को, प्रवर्तन निदेशालय को जमा करवाएंगे, और जमा करवा के इन्होंने जो है कहा है कि सरकार को किसी भी रूप में हम छोड़ेंगे नहीं। उसका कारण है कि सरकार ने जिस प्रकार से आम जनता के पैसों से खिलवाड़ किया है उसको देखते हुए हम चाहेंगे कि ईडी सीबीआई इसके अंदर में आए और जांच करे और जांच करके इस पूरे मामले का खुलासा करे। चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर मध्य प्रदेश से सामने निकल कर आ रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश के सीहोर में बोरवेल में गिरी बच्ची को अब बाहर निकाल लिया गया है, हालांकि उसे बचाया नहीं जा सका है। करीब 55 घंटे बाद बच्ची को बोरवेल से निकाला गया है मंगलवार को। आपको बता दें चले कि एक खेत में 30 फुट गहरे बोरवेल में बच्ची गिर गई थी और बचाव अभियान के तीसरे दिन बच्ची को बाहर निकाला गया है। गुजरात से आई 3 सदस्यीय रोबोटिक टीम ने बच्ची को बाहर निकाला है। बता दें कि बच्ची को जब बाहर निकाला गया तो वो मृत पाई गई है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया है।
अगली खबर गाजियाबाद से सामने निकल कर आ रही है। गाजियाबाद में धर्मांतरण मामले में एक एक कर नए खुलासे हो रहे हैं, नए राज सामने निकल कर आ रहे हैं। बता दें कि पुलिस के हाथ अब कई बड़े सुराग लगे हैं और अब तक जांच में जो सामने आया वो चौंकाने वाला रहा। पुलिस जांच में एक चैट रूम का भी खुलासा हुआ है। चैट में जो बातें की जा रही हैं वो बड़ी ही चौंकाने वाली हैं। रिपोर्ट से समझिए। बहुत हुआ धर्मांतर का खेल, यह अपना नहीं अपना होगा। बहुत हुआ धर्मांतर का खेल, यह अपना नहीं अपना होगा। धर्मांतरण ठेकेदारों का बड़ा खेल। एक नहीं सैकड़ों शिकार। अब चैट रूम खोल रहा है बड़े राज। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में एक एक कर नए राज सामने आने लगे हैं। पुलिस के हाथ अब कई बड़े सुराख लग गए हैं और अब तक जांच में जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है। पुलिस जांच में एक चैट रूम का खुलासा हुआ है। चैट में जो बातें की जा रही हैं वो बड़ी ही चौंकाने वाली है। दरअसल डिस्कॉर्ड ऐप पर इस मामले का आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो ने एक क्लैप नाम से अपनी आईडी बनाई थी और वो इसी आईडी का यूज बच्चों का ब्रेन वॉश करने में कर रहा था। इस डिस्कॉर्ड ऐप पर शहनवाज की अच्छी रैंकिंग से बच्चे अट्रैक्ट होकर चैट करते हैं ताकि वो भी अपनी रैंकिंग सुधार सकें। और इसी ऐप पर नाबालिग और फरार आरोपी शहनवाज के साथ कई और अज्ञात लोगों से चैट की जा रही थी और अब इन पीड़ितों के चैट वायरल हो रहे हैं। धर्मांतरण के इन ठेकेदारों ने एक नहीं बल्कि सैकड़ों का धर्म परिवर्तन कराया है। गाजियाबाद से लेकर मुंबई गुजरात के पाकिस्तान तक फैले इस बड़े रैकेट आरोपियों की पुलिस साइबर सेल एटीएस समेत कई एजेंसियों को तलाश है। वहीं मामले को लेकर हिंदू संगठन अब सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर गाजियाबाद में आज हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इन्होंने देखा कि बच्चे आजकल ज्यादातर मोबाइल पर रहते हैं तो उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने बच्चों की गेमिंग के हिसाब से उनको गेम खिलाते हुए उन सबको यहाँ पर लाकर और उसके बाद में यहाँ का मौलाना शर्म आनी चाहिए। तुम धर्मगुरु कराने लायक हो क्या? ऐसे मौलाना को धर्मगुरु जो लोग कहते हो बहुत नालायक लोग हैं। ऐसे नीच लोगों के लिए सजा मिलनी चाहिए। उस धर्मगुरु को शर्म नहीं आ रही कि उसके धार्मिक स्थल में लाकर नन्हे नन्हे बच्चों को आयतें पढ़ाई जा रही है। मालूम है हिंदू बच्चा है, उस धार्मिक स्थल में जाकर वहाँ पर उसके लिए उसे नवाज पांच टाइम की अदा कराई जा रही है। इस प्रकार के कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसलिए संत समाज सड़कों पर आ चुका है और इस बार हम साफ कहते हैं कि अब धर्मांतरण का खेल खत्म हुआ। अब रण नहीं संघर्ष होगा। धर्मांतरण के इस खेल को लेकर मामला अब गर्माने लगा है। हिंदू संगठन मामले पर बड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। इनका कहना है कि पहले युवतियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा था लेकिन अब मासूम बच्चों के साथ भी साजिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। वाली खबर सामने निकल कर आई है। यहां पर एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि यह मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। बता दें कि शख्स ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जो कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। आपको बता दें कि दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और इस दौरान मनोज गुस्से में इतना पागल हो गया कि सरस्वती को मौत के घाट उतार दिया। इतने पर भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने शव के छोटे छोटे टुकड़े कर और कुकर में उबाल डाला। बता दें कि लिव इन पार्टनर की हत्या करने के बाद वो बाजार गया और पेड़ काटने वाली मशीन लेकर आया, जिसके बाद उसने मशीन से शव के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें कुकर में उबाल दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मौलाना ने एक महिला को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ रेप किया और गर्भवती होने पर धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने का आरोप लगाया गया है। बता दें चले कि इसके साथ ही मौलाना के तीन सगे भाइयों और दो बहनोई ने
के खिलाफ भी यहां पर रेप का मामला महिला ने दर्ज कराया है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी मौलाना निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुरादाबाद देहात के डिलारी थाना इलाके में रहने वाली एक शादीशुदा महिला ने अपने बच्चे के इलाज के लिए एक मौलाना से संपर्क किया। महिला का आरोप है कि मौलाना ने प्रेम प्रसंग के जाल में फंसा लिया। महिला का आरोप है कि मौलाना निजामुद्दीन ने उसे खुद को अविवाहिता बताया था और तब उसने मौलाना से दोस्ती बढ़ा ली। महिला का आरोप है कि मौलाना के दो भाई और बहनोई ने भी उसके साथ मिलकर दुष्कर्म किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कल एक